बीते दिन कंबोज सभा अमृतसर वालों सेंट सोल्जर इलाइट कॉन्वेंट स्कूल जंडियाला गुरु विखे शहीद उधम सिंह जी का 82वां शहीदी दिहाड़ा मिति 10 अगस्त तो 13 अगस्त तक बड़ी ही श्रद्धा नाल मनाया गया। इस मौके बच्चों में कविता ते पेंटिंग के मुकाबले करवाए गए। मिति 13 अगस्त को श्रद्धांजलि समारोह करवाया गया जिस विच बच्चों ने वध चढ़ के पार्टिसिपेट किया अते बच्चों वल्लों कोरियोग्राफी की गई जिसका नज़ारा देखदे ही बनता सी। डॉक्टर मंगल सिंह किशनपुरी जी डायरैक्टर सेंट सोल्जर लाइट स्कूल जी वल्लों आए हुए पतवंतों को सम्मानित भी किया गया। साई टीम ने डॉक्टर मंगल सिंह किशनपुरी जी ने गलबात की जिन्होंने सानू इस श्रद्धांजलि समारोह बारे विस्तार से जानकारी दी। आओ करते हैं गलबात डॉक्टर मंगल सिंह किशनपुरी जी के नाल अते नज़र मारते हाँ श्रद्धांजलि समारोह दी झलकियां ते। चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हैं सेंट सोल्जर लाइट स्कूल जिथे कि कंबोज सभा वालों एक बहुत ही महान समागम जिहड़ा हैगा शहीदी समागम किया जा रहा। असीं गल कर रहे हैं सर दे नाल। सर स्वागत है तुहाडा। की कहना चाहोगे कि अज दा इह महान समागम किदां लिखिया गया? मैं डॉक्टर मंगल सिंह किशनपुरी डायरैक्टर सेंट सोल्जर स्कूल जंडियाला गुरु। अज शहीद उधम सिंह जी का 82वां शहीदी दिहाड़ा जिहड़ा उन्होंने मनाने वास्ते कंबोज सभा अमृतसर ने उपराला किया क्योंकि उधम सिंह का जन्म कंबोज घराने च होया। इस वास्ते कंबोज बरादरी कंबोज सभा हर साल उहदा शहीदी दिहाड़ा जन्म दिहाड़ा मनाते हैं। इस वास्ते इस साल अमृतसर कंबोज सभा वालों सेंट सोल्जर लीड कॉन्वेंट स्कूल के शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा है जिदे 10 तरीक नूं बच्चों के पेंटिंग मुकाबले कविता मुकाबले कराए गए हैं। अज कोरियोग्राफी मुकाबले होने हैं और बहुत सारे जिहड़े लोग ने उह शहीद नूं श्रद्धांजलि देने वास्ते इकट्ठे होणगे और बड़ा वधिया प्रोग्राम जिहड़ा उह कीता जाऊगा। और उन्होंने बच्चों के भी जिन्होंने पेंटिंग दे विच उस महान शहीद को श्रद्धांजलियां दित्तियां और जिहड़े अज कोरियोग्राफी राही दे रहे हैं उन्होंने भी नवाजा जाऊगा नामा नाल। और सेंट सोल्जर लाइट स्कूल की वह क्रीम जिहड़ी बहुत वधिया वधिया जिहड़ियां मल्लां मार के आई है उन्होंने भी अज सन्मान किया जाऊ। अज मैनूं बड़ी खुशी है कि पेंटिंग मुकाबलों में बच्चों ने शहीद उधम सिंह दियां वख वख जीवन नूं संबंध रखदियां बहुत शानदार पेंटिंग बनाईआं। अज उन्होंने जिहड़े जेतू बच्चे है उन्होंने सम्मानित किया जाऊगा। इस तरह बच्चों ने शहीद उधम सिंह के उत्ते बहुत सारिया कविता लिखिया और कविता बोलिया जोड़े बच्चे जेतू होने उन्होंने भी मुकाबले अज नाम दिते जाने हैं। और अज जो कोरियोग्राफी होनी है वो जे फस्ट सैकंड थर्ड आने उन्होंने बच्चों सबनों इनाम दिते जाएंगे और जोड़े ही कंबोज बरादरी के होर वर्गों के जिन्हों लोगों ने अपनी जिंदगी समाज सेवा बहुत वधिया योगदान पाया अज सभा उन्होंने भी सम्मानित करूंगी। थैंक यू सर। Yeah.
Thank you.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਡਰ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਬਣਨਾ ਪਊ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਸਕਣ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਫਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਆ ਉੱਠੋ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ ਜਾਗੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ Oh,
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਸਵਰਗੀ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਜਾਮਪੁਰ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੀਤਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਮਨੀਤ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਫੁੱਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਮੁਖਤਾ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਆਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਸਮਝੋ।
ਜਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਰੋਏ ਛੋਟੇ ਨੇ अपने परिवार वालों धन जी आता है कि तुम उस महान आत्मा की याद कर रहे हो। इस वास्ते साइड पर डिस्प्ले लगी हुई है, तुम देखो कि बच्चा ने उधम सिंह के उत्ते कि शानदार पेंटिंग बनाई है। देख के खुश हो कि बच्चा भी जी दर्शी है, पर बच्चे जो पेंटिंग बनते थे आत्मा के बच्चे चले गए और उस धन का जो सोचते कविता मुकाबला से बच्चे ने अपन कविता लिखिया कविता बोलिया और कविता ने यह शब्दा सी कि जजेस को औखा सी आपने अज कोरियोग्राफी कागज भी दे रहे हो राज्य भी प्रभाव करता गरीब बच्चे ने शहीद की जिंदगी बहुत नेड़े हो के स्टेज के उत्तर कदम लगाया समय चार पाँच मिनट के पूरी वो लाइफ में खाना वैलीफिकेट कर तो मैं उनका सारे स्कूलों का जिन्हें भी अपने बच्चों तैयार कराया और इन्हें लैके आए और परफॉर्मेंस कराई जिस हर दूसरी गल है परंतु जज्बा होना वो जज्बे पेट में रखना बहुत लोड़ है। असी उधम सिंह का शहीदी दिहाड़ा मनाने जन्मदिन मनाने तो सरदार ऊधम सिंह जी जिंदा होंगे सी सरदार जगजीत सिंह जी कोटली मुझे याद है मैं उन्होंने काम करता सी। असी शहीद ऊधम सिंह के जन्मदिन से हर साल बच्चों के मुकाबले करवाते होंगे सी यकीन खाते और मैं बच्चों को प्राइज देने उन्होंने ट्रॉफिया देनिया ताकि बच्चे जे शहीद की जिंदगी बहुत लोड़ है शहीदा को याद रखना बहुत लोड़ है जड़िया कौम अपने शहीदा को याद कर सकिया कौम शहीद लिए खत्म हो जाती है। अभी आपने शहीद ऊधम सिंह के पैरों का अखाने की कोशिश करते हैं परंतु सबका शहीद के पुत जाके महात्मा देव ना शहीद को याद नहीं कर सकते जिन्ना चर अभी मन नहीं बनाते कि वो जिंदगी के जिंदगी का मसला की है वो जिंदगी मुश्किल की है वो जिंदगी अचीवमेंट्स की है वो कि कारण से जोड़े उन्हें किए और जोड़े किम से जोड़े उस शहीद सोचता से होने चाहिए है। शहीद सोचता है कि मेरे जेल के बच्चों की पढ़ाई बड़े वजिया पढ़ाई मेरे लोग भुखे ना लड़न साढ़े लोग दरिया भुखे ना लड़न अंग्रेजा लड़ना है इतों शहीदा ने पढ़ाई और लाया कि सारे शहीद पात्र ने ऊधम सिंह करतार सिंह सरा पाक भगत सिंह
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਤਲ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਗਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਦੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Thank you.
इस गल का शहीद जनरल डायर ने इस जो उन्होंने गलत किया है उसका बदला जरूर लगेगा। इस तरह भाई वीर सिंह ने क्या है कि
ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸ ਪੀ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਰੀ ਅਫਸਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲੂਰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਕਸ ਡੈਪਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਐਸ ਈ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜੂ ਐਸ ਈ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਸ ਐਚ ਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਸ ਐਚ ਓ ਕਬੀਰਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਬੋਬੀ ਘੋਸ਼ ਸਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਲਪੁਰ ਕਿਸਾਨਪੁਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਿਸ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸ ਐਚ ਓ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਯੰਗੈਸਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਡੀ ਐਫ ਐਫ ਡੀ ਐਫ ਓ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਸਟ ਮੀ ਹੋਟਲ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸ ਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਪੜਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ
देखो उन्हां दे बारे च जिहड़ी गल इस वेले समाजिक तौर पर जिहड़ी सब तो वड्डी बुराई है वह नशे और ये समाज के अंदर जिहड़ी लॉ एंड आर्डर की समस्या है वह बनी हुई है जिहदे करके साडा इत्थों दा वातावरण जिहड़ा वो साढ़े बच्चों जोड़ा ये देश छड़न वास्ते मजबूर कर रहा और हर मापा ज मापे जोड़े वो इस गल तो चिंतित है और जड़िया भी सरकार आई उन्हें इस ना के उत्ते अपन रोटियां सेकिया पर नशिया के उत्ते अज तक कोई भी मुकम्मल जोड़ा लगाम खिंचन कह लो कि इन सरकार की जी विल पावर आ वो नहीं हैगी नशे खत्म कर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है जिदा सिटा समाज के अंदर बहुत व्डे पद्धर से लोग भुगत रहे खास करके असी किसानी किते संबंधित हैं कि सानू नित समस्यावान का सामना करना पैंता भी ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे उन्होंने तेल चोरी हो रहा राह जड़िया धियां भैन उन्होंने परस मोबाइल खोए जा रहे हैं ये सारा संताप जोड़ा नशिया की बदौलत है क्योंकि वो जी पीढ़ी अडिक्टड हो चुकी है वो अपना नशा पूरा करने वास्ते किसी भी हद तक जा सकती है और सानू सारे खमियाजा भुगतना पै रहा अज कमोह सभा अमृतसर और सेंट सोल्जर स्कूल आके शहीद ऊधम सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा मनाया गया असी सारी सभा ने असी हर साल ही मनाने वैसे पिछले कोरोना पीरियड में इस संस्था वालों मनाया नहीं गया इस वास्ते असी 10 तरीक में बच्चों के विधिक मुकाबले कराए गए अज जिहड़ा है बच्चों के कोरियोग्राफी मुकाबले कराए है और कंबोज सभा के सारे मैंबर जिहड़े है वो इत्थे आए हैं और बच्चों की हौसला अफजाई की है और ऊधम सिंह दा शहीदी दिहाड़ा उसकी जीवनी है वो तो की प्रेरणा मिलती है वो वास्ते विचार हुई हैं और उपरला किया जाएगा कि आने वाले समय के जेडे बच्चे अनाथ है जेडे बच्चे गरीब है जेडे अफोर्ड नहीं कर सकते असं कोशिश करांगे कि उन्होंने फ्री विद्या दी जाए उन्होंने हेल्प की जाए जिहड़ा कि ऊधम सिंह का एक सुपना सी कि मेरे आने वाले लोगों को चंगी विद्या मिले वो असी उत्ते काम कर शहीद ऊधम सिंह जी का जरा शहीदी दिहाड़ा मनाया गया और कंबोज सभा एक लड़ी च परोंदा और जिस तरीके दे नाल गल्लां बातां हुईयां कि वो लोग जड़े नहीं बच्चों अपने पढ़ा सकते और वो लोग जड़े सिलेड है दोनों मतलब आपस दे विच कंप्लीमेंशन करके कंबोज समाज नूं होर उपर लै जांदे की कहना चाहते देखो जी मेरा ख्याल है भी डॉक्टर किशनपुरी ये काम बहुत वधिया तरीके नाल कर रहे हैं पहले ही कर रहे हैं शहीद ऊधम सिंह तो सीध लैके उन्होंने स्कूल खोलिया होया है स्कूल उन्होंने बड़ा सक्सैसफुली चल रहा है इस स्कूल के मैं पता लग्या कि गरीब बच्चे तो अमीर बच्चे दोहे हैं गरीबों की वो हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा सेवा की और हम भी कर रहे हो हम भी कोई भी मतलब जरा है दबा कुछ बंदा आता एज ए एडवोकेट भी हर केस लैके कोई गल नहीं मैं थोड़ा दसना गल मैं एज ए जज मेरा सब तो वड्डा ये तहैया हुंदा सी कि लिटिगेंट्स नाल इंसाफ किया जाए पर इंसाफ कानून के दायरे में रह के किया जाए ये बहुत बड़ी जरूरी गल होती है लिटिगेंट्स जो कि तुम देखते हो कि एक बंदा लिटिगेंट है वह वड्डा वकील नहीं कर पा रहा पर फाइल कह रही है कि ये इनोसेंट है वो फाइल पर पूरी नहीं की जा रही तो मैं उसकी इंटरप्रटेशन फाइल के उसनों जो इंटरप्रेट करता सी उस तरीके करता सी कि जे इस बंदे ने कुछ नहीं किया तो उसको बरी किया जाए जे कोई सिविल सूट है दीवानी केस है दीवानी केस में जे गरीब आदमी वड्डा वकील करके चलाक वकील करके या कुछ सिस्टम उस गल पूरा नहीं कर पा रहा तो मैं उत्थे भी उस गरीब लिटिगेंट की मदद के आता सू इंसाफ देने की कोशिश करता सी हूँ भी मैं हूँ हाई कोर्ट च प्रैक्टिस कर रहा एज ए लॉयर हूँ भी मेरा यही है मेरे को दोनों तरह के आते हैं क्लाइंट्स बहुत अमीर भी आते हैं तो बहुत गरीब भी आते हैं पर मेरा जरा समाज का काम करना वो है मैं चाहना कि गरीबों वास्ते काम किया जाए ताकि उन्होंने इंसाफ चलाया जाए देखो गल है जो है ना शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले
वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये इस कोरियोग्राफी ने ते आज दे समागम ने इस गल नू साक्षात पूरा किया है। बच्चों ने जो कोरियोग्राफी की है उस तो पहला पेंटिंग्स की पेंटिंग्स मैं हॉल दे विच अज लगी हुई देखी हैं जो मैनशन किया इन्होंने तो मैं हॉल विच लगी हुई देखी हैं। कवितावां साढ़े सामने नहीं हुई पहला हो चुकी सी उन्हां विच भी शहीद ऊधम सिंह की स्पिरिट बारे होया है। मैं ये फील करदा कि बच्चों की कोरियोग्राफी ने बच्चों की पेंटिंग्स ने सानू जिहड़े असीं वड्डी उम्र के बंदे हाँ सानू उन्होंने प्रभावित किया है तो इंस्पीरेशन असीं उन्हां बच्चों तो लै रहे हैं कि शहीद ऊधम सिंह ने देश लई कितनी कुर्बानी की है जिहदे करके अज देश आज़ाद है असीं आज़ाद फिजा विच साह लै रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इस महान समागम के बारे जिंद कंबोज साहबा ने बहुत बड़ा उपराला किया, बच्चों के हौसले बधाए और एक वधिया नैटवर्क जोड़ा है उन्होंने मिलया। सब तो पहला मैं सरदार मंगल सिंह जी बहुत धन्यवादी हाँ, उन्होंने सारे जिले भी कंबोज साहब सारे साहबान जिन्हें अहदेदार से उन्होंने इकट्ठिया करके तो एक चंगा मैसेज देने की कोशिश की है कि शहीदा के जोड़े जो भी उन्होंने चंगे काम किए उन्होंने याद किया जाए तो स्कूल वालों भी कोरियोग्राफी पेंटिंग मुकाबले करा के को इस काम को होर उत्साहित किया गया ताकि बच्चे जोड़े आज की जी नवी पीढ़ी आ शहीदा के तो प्रेरणा लैके अगे अपना जीवन उन्होंने अपना जीवन मार्ग समझ अपना समझ अपने जीवन के उन्होंने लागू कर सकन। तो ये बहुत वधिया उपराला सी, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। नाल मैं उत्थे सारे जिन्हें भी जिले तो चंगे कंबोज सभा के साहबान इतने आए हैं अहदेदार साहब उन्होंने शिरकत की है इस वास्ते बहुत वधिया प्रोग्राम इतने पेश किया। जिस तरीके स्कूल जो हमेशा प्रचार करता बच्चों ग्रीनरी के लिए उन्हें वैल्यूज के लिए और अब जो ऊधम सिंह जी का जो दिहाड़ा मैं सुखदेव सिंह SHO पुलिस स्टेशन लोहियां ज़िला जलंधर तो मैनू इस कंबोज सभा के प्रधान साहब और इस स्कूल के MD साहब वालों स्पैशल सद्दा मिलिया सी जिस पर मैं अपने 15 अगस्त की ड्यूटी के बड़ा कीमती समा कढ़ के इत्थे पहुँचा और मैं जो इत्थे बच्चों वालों शहीद ऊधम सिंह की जिहड़ी लसानी कुरबानी आ उहदे ते जो कोरियोग्राफी होर जो भी इन्होंने आइटम पेश कीतियां ने मैनू बड़ी खुशी हुई आ कि साड़ी नवी जनरेशन दे विच जो इस स्कूल वालों और इस कंबोज सभा दे जो सीनियर मैंबर ने जो अहुदेदार ने वक् वक् थावां तों आए हुए जो ऑफिसर रिटायर्ड ने सैशन जज साहब वालों भी बहुत प्रभावशाली उन्होंने सरदार ऊधम सिंह जी की लाइफ बारे उन्हां दी कुरबानी बारे चानना पाया सी और जो अजोके समय में सानू इन्हां बच्चियां नू असी इस तरह के फंक्शन करके जाणू करवावांगे तां ही असी अगे इस लड़ी नू तोर सकते हैं। और मैं सरदार ऊधम सिंह का बहुत बड़ा फैन हाँ और मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट विच भी जदों किसी समय कोई गल चलती है सरदार शहीद ऊधम सिंह बारे और इन्हां दी शहीदी शहीदता सारे ही सत्कारयोग ने जिन्होंने साढ़े देश लई कुरबानियां जान निशावर कीती आ पर एक 21 साल तक अपने हिरदे दे विच अपने देश वासियां पिता चाचे ताए जां होर जिहड़े उहदे सखे संबंधी सी सारे उन्होंने एक समझ के उन्हां वास्ते बदले की भावना लैके चलते रहे आ। और अज कल दे समय दौरान मैं देखदा कि जिहदा सका फादर ब्रदर दा कतल होया होवे ते ओ उहनूं 21 दिन बाद ही भुल जांदा उहदी पैसे वट के कोर्ट दे विच जा के उहदी फेवर विच स्टेटमेंट दे के ते उस नूं भुल जांदा आ। और ये सानू इस तो बहुत वड्डी प्रेरणा मिलती आ कि सरदार ऊधम सिंह कौम दे शहीद आ साढ़े देश दे शहीद ने असी उन्हां दे फखर महसूस करते हाँ कि उन्होंने 21 साल तक एक कैरा वांगू उहदा कतल नहीं किया जलों डैर का उन्होंने शरेआम एक इन्ने वड्डी मीटिंग दे विच कैक्सटन हाल दे विच गोलियां मार के उन्हूं कतल किया सी
ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਾਣਾ ਲੋਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੰਬੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਂਟ ਸੋਲਜਰ ਅਲਾਈਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਚਵੰਡਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਇਨ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਅੱਜ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੋਜ਼ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿਲਵਾ ਜੁਲਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕੰਬੋਜ਼ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬੜਾ ਵਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੋਬਲ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬੋਜ਼ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੰਬੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਬੋਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਬੋਜ਼ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਟੋਰਚ ਬੀਰਰਸ ਬਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਬਣੀਏ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੋਜ਼ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣ